गुड मॉर्निंग क्लास, आज आपको रीड करना है चैप्टर टू रोमन नंबर्स। देखिए रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम है 1 2 3 4 5 का यूज करते हैं सिंबल का, वैसे ही रोमन नंबर में भी कुछ सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ 7 लेटर ही आते हैं, जैसे कि हिंदू अरेबिक में क्या होता है आपको 10 आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आता है, वैसे रोमन नंबर में क्या होता है ये 7 लेटर का यूज किया जाता है। तो देखिए यहां से आपको ये लिख लेना है, जब आपको पहले बताया कि रोमन नंबर में अगर आपको 1 लिखना है, ठीक है, तो 7 लेटर का यूज किया था, आई बी एक्स एल सी डी और ये एम। ठीक है, आई का जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 मानी जाएगी, V जो होता है 5। ठीक है, एक्स जो होता है ना आपको 10 दिखाता है, एल से आप 50 याद करना, सी का होता है आपका यहां से 100, डी होता है 500 और एम होता है आपका यहां से 1000। यही आपका रोमन नंबर है और ये रोमन नंबर की वैल्यू होती है किसी को हिंदू अरेबिक सिस्टम में। ठीक है, अब देखो मैंने यहां लिख तो दिया है कि आई बी एक्स एल सी डी एम। ठीक है, इसमें कुछ रूल होते हैं। ठीक है, रूल ये कहता है ना कि सबसे पहले ना कि हम किसको यहां पर रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से किस नंबर को कुछ नंबर के लिए रिपीट करने आपको पहले भी बता हुआ कि 1 को लिखने के एक बार आई का यूज करते हैं, 2 लिखने के लिए डबल आई का यूज करते हैं, 3 लिखने के 3 आई यूज करते हैं, बट 4 लिखने के लिए हम 4 आई का यूज नहीं करते हैं। तो कुछ नंबर होते हैं किसको किसको हम रिपीट करते हैं, तो पहले ये देख लो किसको किसको रिपीट नहीं करते हैं। तो हम ना वी को, एल को और यहां से डी को, हम इस तीनों को क्या करते हो रिपीट नहीं करते। ध्यान रखना कि वी एल डी को हम रिपीट नहीं करते, ये देखना बुक में रिमेम्बर लिखा, रिमेम्बर ये आप लिख लेना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि वी एल डी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रिपीट ही करना है, अगर आपको रिपीट करना है तो रिपीट किसको करोगे, आई एक्स सी एम को। किसको रिपीट करोगे, आई एक्स सी एम को आप रिपीट कर सकते हो और वो भी मैक्सिमम 3 टाइम। किसको किसको रिपीट कर सकते हो, आई को, बी को नहीं कर सकते क्योंकि लिखा गया है, आई को, एक्स को, सी को और लास्ट नंबर एम को, वो हम रिपीट कर सकते हैं और वो भी मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से क्या दिया हुआ है, रिपीट तो मैंने कर दिया, उसके बाद से यहां से कुछ सबट्रैक्शन का रूल होता है और कुछ एडिशन का रूल होता है। देखो, तो यहां से अगर किसी नंबर को आपको सबट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो ध्यान रखना यहां से आई को ना अगर आपको सबट्रैक्शन करना है तो आई जो होता है हमेशा वो वी के और एफ के साथ सबट्रैक्ट होता है। अगर वी में सबट्रैक्ट, वी को रिपीट भी नहीं करते और वी को सबट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने वी को बोला रिपीट नहीं कर सकते, इसको सबट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी को छोड़ते एक्स को, एक्स जो है ना वो सबट्रैक्शन होता है किसके किसके साथ, देखो एल के साथ और उसके आगे क्या आपका सी के साथ, यानी कि एक्स हो गया, फिर आ गया एल, एल को तो सबट्रैक्शन करते नहीं है, हम किसको सबट्रैक्शन करते हैं वो सी को, और सी को अगर सबट्रैक्शन करना होगा तो सी जो है ना वो डी और एम के साथ वो सबट्रैक्शन होता है। रिमेम्बर में लिखा हुआ आप लिख लेना, ठीक है, कि किसको किसको रिपीट करते हैं, किसको किसको रिपीट हम नहीं करते, बस मैंने आपको समझाने के लिए से लिख दिया हुआ है, या फिर लिखवा दें, लिखवाना क्या बस इतनी है कि वी एल डी कैन नॉट रिपीटेड, आई सबट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, एफ सबट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स एंड सी, सी सबट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, ये याद करना। ठीक है, और ये जो मैं लिखता था ना 1 से लेकर के ये 7 तक को लिख लेना, और मैं कुछ आपके लिए और भी लिख रहा हूं,
वो याद करना, ठीक है। 1 से 10 तक आपको याद होगा, ठीक है। मैं लिखता हूं सिर्फ 10 का, 10 आपको लिखना, 10 20 30 40 50, ठीक है। तो x को पता है कि 10 के लिए होता है x, 20 के लिए डबल x, 30 के लिए हम लिखते हैं 3 times x, और ध्यान रखो 40 के लिए 4 times x ही होता है, क्योंकि हम रिपीट जिसको भी करते हैं i x c m को रिपीट करते हैं, बस मैक्सिमम 3 times, तो ये चला जाएगा 50 के पास। और क्या करेंगे, ये 10 को देखो, अब देखो किसको सबट्रैक्शन किया जा सकता है, तो मैं रिक्वायर भी किया था कि x को किसके किसके साथ माइनस कर सकते हैं, एल के साथ और वो सी के साथ। और देखो ये अगर हम यही लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो सबट्रैक्शन कहलाएगा, और राइट साइड में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाता है, और 50 के लिए होता है आपका ये, ठीक है। उसके बाद आता है 60 70 80 90 और ये 100। यल में 60 में क्या क्या होता है, 50 होता है, 10 होता है, क्या क्या होता है, 50 और वो 10, तो 50 के लिए आप, और 50 के लिए क्या लिखते हो, एल और एक 10 बचा है। तो 70 में क्या होता है, 50 और 2 बार 10 आता है। 80 में क्या होता है, 1 time क्या आता है आपका, 50 और 3 time क्या आता है आपके पास, वो 10 आता है। अब देखो ये 90 हो गया, तो 90 के लिए तो एल बट बच गया आपका 4 times 10, हम तो ये लिख नहीं सकते, तो फिर ये मेरा गलत हो जाएगा। तो ये किसी कड़ी में चला जाएगा, वो 100, ये लिख दिया आपको 100, बट ये तो 100 नहीं, ये तो 90 है, तो 10 को माइनस कर दो, 10 को माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड में लेकर चले जाएंगे, और सी के लिए आपको पता है, बस ये याद कर लेना, ठीक है। आप इसको जैसे याद कर लोगे 1 to 100 1 to 10 तो आपको याद ही होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, सीधा लिखना। अगर 1 to 2 भी नहीं याद है तो 1 to 2 भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होता है आपका 10। 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई बी, 5 के लिए बी, 6 के लिए बी आई, 7 के लिए बी डबल आई, 8 के लिए बी ट्रिपल आई बन जाता है, 9 के लिए आपका होता आई एक्स, और 10 के लिए होता आपका एक्स। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, जैसे आपको ये याद हो जाएगा ना, ये पूरा 1 to 100 आपका इजी तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो ये नोट करना, ठीक है। अब हमें वहां से अपने एक्सरसाइज के लिख लेंगे, आपको ये याद होना चाहिए, पर बाकी आप 1 to 100 ऑटोमेटिक लिख पाओगे। हाँ, वो जो लिखा हुआ रिमेम्बर करके वो नोट कर लेना। अब आपसे जितना भी सिंपली पहले कुछ भी कहा जाए लिखने के लिए, जैसे मैं बोलूँ आपको 85 लिखना है या फिर 29 लिखना है, तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले 80 है ना, इसको अपना एक्सपेंड करो, ऐसे करके लिखो, तीसरा वो 80 और ये प्लस 5 लिखा होगा, ऐसे एक्सपेंड करो। क्यों, देखो आपको मैंने अभी 80 का लिखवाया था, 80 का कितना होता है, 80 में क्या क्या होता है, सर 50 होता है और 3 times वो 10 होता है, आपको 80 का पता है, 80 का होता है एल और ये ट्रिपल एक्स, और बी के लिए हो गया आपका 5, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसा एक्सपेंड कर सकते हो कि सर 50 लिखिए, फिर 30 लिखिए और फिर 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, ठीक है। बट मैंने अभी आपको लिखवाया है क्या कि 1 से 10 तक याद करना, और 10 30 40 50 100 तक याद करना, ठीक है। बाकी वो जैसे याद होगा आप 1 to 100 इसी तरीके से लिखोगे। तो अब मुझे ऐसे बताना है, ठीक है, जो मैंने एक्सपेंड करा था, बाकी आप कैसे भी ले सकते हो। चलिए आपके पास मैंने लिख दिया जैसे एक नंबर वो 95, ठीक है, 96 96 का एक्सपेंड करो, सबसे अच्छा है क्या लिख सकते हो सर, 90 प्लस 6,
और अभी मैंने आपको 90 याद लिखवाया था ना, 90 के लिए क्या होता है, 90 के लिए क्या होता है, 90 के लिए होता है आपका यक्स और ये सी, और 6 लिख लो वी आई। अभी तो लिखा था 99 लिखने के लिए, ठीक है। तो किसी किसी दिमाग में बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं कि सर ये 100 पर ही है, इसको 1 माइनस करो, सी 100 1 को माइनस करो, ये सही है। बट अभी एक रूल लिखवाया गया है ना कि आई को अगर माइनस करना है तो भी के साथ और यफ के साथ माइनस कर सकते हैं, बट आपने वन को किसके साथ माइनस कर दिया है, आपने वन को माइनस कर दिया किसके साथ, को सी के साथ, तो ये आपका गलत है, समझना ना। तो इसीलिए आपका ये जो लिखा हुआ वो सही है, बट एक बॉर्डर रूल ये कहता है कि आई जो है हमेशा बी और एफ के साथ ही माइनस होता है, बाकी किसी के साथ माइनस हम नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हैं बट माइनस नहीं कर सकते, तो फिर ये आपका वो गलत हो जाता है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपका रोमन नंबर लिखा हुआ है, लिखा एल आई वी। अब एल आई वी का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है 50, और आई वी का मतलब क्या होता है आपका, ये 4 होता है, इक्वल मिला के ये 54 लिखा है, आपको जैसे भी आता लिखने के लिए वो कर सकते हो, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर देखिए यहां से, वो ई में लिखा है यक्स सी भी आई, आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए, फिर तीसरा ये कैसे हो जा रहा है कि हम इसको इसके पास कर ले क्या, सर भी और सी क्या बन सकता, तो ये है ही नहीं, तो देखो कुल मिला ये क्या लिखा है एक्स सी, यानी कि ग्रेटर नंबर के पहले क्या लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि माइनस करके लिखा हुआ है, यानी ये कितना लिखा आपका वो 19, और ये क्या लिखा है 6, अब डायरेक्ट कर सकते ये कितना होगा आपका, ये इतना आपका हो गया सर वो 19, बचा कितना वी आई, यानी कि 5 प्लस 1 डायरेक्टली हो 6, कोई भी इसको ऐसा नहीं करेगा कि 5 प्लस 1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकते हो, ठीक है। आपके डायरेक्टली आता डायरेक्टली करो, कुल मिला के ये आपका 96 लिखा था, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा आपका ये क्वेश्चन एक एफ लिखा है, एफ में लिखा हुआ डबल सी एल आई एक्स, देखो तो ये डबल सी लिखा ना, डबल सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब क्या होगा 100, कुल मिला के ये लिखा है 100 प्लस 100 यानी कि 200 लिखा है, ठीक है। ये देखो तो एल मतलब क्या हो गया सर, तो 50 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ आई एक्स मतलब कि ये 9 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे ये लिखा हुआ 259, ऐसे से कुछ में एल लिखा हुआ लास्ट वाले में, लास्ट में लिखा हुआ ये डी एक्स सी बी, और ये दो बार आई लिखा, देखो डी अगर हम इन दोनों को एक साथ तो नहीं ले सकते हैं, अगर हमने सोचा हो अक्षर ले लें क्या हो सकता, चलिए इसको ले लेते हैं दोनों को अगर एक साथ तो, ठीक है। अब ये क्या लिख रहा है, एक तरह से सी बी के पहले क्या लिखा हुआ है, से क्या लिखा हुआ है बी के पहले क्या लिखा हुआ है, बी के पहले लिखा आपका वो सी, इक्वल मिला के बी में इसको माइनस करने के लिए कहा गया, और ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये कुल मिला के यहां तक, ये कुल मिला के होगा आपको डी, डी का मतलब क्या होता है 500 प्लस, ये दोनों एक साथ आएंगे, एक्स सी मतलब क्या होता है वो 90 होता है, क्या होता है 90 प्लस बी डबल आई से क्या होता है वो 7, यानी ये लिखा हुआ था 597। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ठीक है। अब इसी का जस्ट रिवर्स चलते हैं, इस बार आपको न्यूमेरिकल वैल्यू खुद ही दे रखे गए हैं और आपको उसको रोमन नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, देखिए इसी क्वेश्चन लिखा है सेकेंड का ई में लिखा हुआ ये 78, इसको एक्सपेरिमेंट सबसे अच्छा है,
70 प्लस 8, 70 आपको पता है L ये डबल X और 8 के लिए होता है भी ट्रिपल I। F क्वेश्चन लिखा है, F में उसने लिखा है 98, एक्सपेंड कर इसको तो क्या लिख सकते हैं आप कि सर वो 100 प्लस क्या हो गया आपका 90 प्लस ये 8 हो गया। 100 आपको पता है 100 के लिए होता है C, 90 आपने याद करा होगा तो होता है X C और 8 के लिए हो गया B ट्रिपल I। इसी क्वेश्चन में के लिखा है, के क्वेश्चन लिखा है 1292, ठीक है कैसे करोगे देखो एक्सपेंड कर दो सबसे अच्छा है। एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको क्या दिखाई देगा, यहां से देखो तो ये 1000 प्लस में क्या दिखाई देगा आपको, ये 200 दिख रहा है, वाला क्वेश्चन यहां लिखते हैं 1292 को एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं सर, ये 1000 प्लस हो जाएगा 200 प्लस हो जाएगा आपका ये 90 और प्लस में हो गया आपका ये 2। अब फ्री और भी तरीके आपको आते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन करके इस तरीके से बता दिया, बट इसके लिए आपको 1 to 100 कम से कम आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये लिखा आपका 1000 के लिए होता है M, ये देखो लिखा 200, अगर ये 100 होता तो क्या लिखते C, बट यहां पे क्या लिखा है 200 यानी कि डबल C। अब देखो 90 आपने याद करा है तो X C और 2 के लिए दोबारा ये हो गया। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा है किस और तरीके से भी लिख सकते हैं सर, तो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको आता है तो ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा तो ये लिखे एक्सपेंड करके सर की वैल्यू पूछ सकते हैं, बट 1 to 100 तक आपको याद होना चाहिए। 1 to 100 क्या, 1 से लेकर 10 तक और 10, 20, 30, 40, 100 तक, और बाकी जो 7 लेटर का सिंबल है उनका क्या होता है वैल्यू वो तो याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें से कौन सा मीनिंगलेस है, क्वेश्चन नंबर 3 मीनिंगलेस लिखा फर्स्ट आपका एक्स डी, एक्स डी मतलब कि स्मॉलेस्ट है और लेफ्ट में लिखा है यानी कि एक्स को डी के साथ माइनस किया गया है, तो मैंने ही बताया ना कि एक्स को किसके साथ माइनस कर सकते हो, एक्स को माइनस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो, एल के साथ और सी के साथ, बट इसने किसके साथ माइनस कर दिया है डी के साथ माइनस कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, ये रॉन्ग लिखा होगा, ठीक है ऐसा नहीं होता है। एल आई, एल आई ने सही लिखा हुआ है, देखो अभी मैंने आई के साथ तो 1 को मतलब माइनस किया गया नहीं, वो 51 लिखा हुआ है, क्या लिखा है एल आई। देखो अगर ये तो मतलब एक और रूल दिया हुआ है, ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को कभी माइनस वो नहीं किया जा सकता, ये तो फॉल्स, कौन सा माइनस करके लिखा गया ये फॉल्स है, बट देखो स्मॉलेस्ट नंबर को राइट साइड में लिखा गया इक्वल में ला के ये मीनिंगफुल है, ठीक है यानी कि ये आपको क्या दिया हुआ ये सही है मीनिंगफुल है, ये उसने बस ये लिखा कौन सा इसमें मीनिंगलेस है, ठीक है एक्स डी आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, वी एक्स डी आपका मीनिंगलेस है, सी डबल वी लिखा हुआ मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है क्योंकि वी को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 फिलअप करने के लिए कहा गया रोमन नंबर के फॉर्म में, तो 15 अगस्त दिया है ना, अगर 15 को आपको लिख देना है रोमन नंबर के फॉर्म में। कंपेयर करने के लिए कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन 5 को सबसे पहले रोमन नंबर दिया ना उसको आप लिखना किस कितना उसकी वैल्यू होती है, ठीक है जैसे 5 को फर्स्ट वाले में चलिए लिखा ना एक्स सी आई आई लॉग बना दिया सी एक्स आई आई तीन बार आई लिखा, तो देखो ये आपका होगा 93 लिखा हुआ है और ये लिखा आपका वो 103 लिखा हुआ, ये आपका तो कंपेयर
प्रेयर करने के पहले सबकी वैल्यू को पता होनी चाहिए, ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए कहा गया है, वो भी कर सकते हो। सक्सेसर और प्रेडिसेसर लिखने के लिए कहा गया है, तो देखो ये लिखा आपका क्वेश्चन 8 का फर्स्ट, एक्स एक्स बी यानी कि वो 35 लिखा है और 35 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, वो 36 एक्स एक्स बी आए, कर पाओगे सारे क्वेश्चन को।